हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ गागी। और आज मैं लेकर आई हूँ रिक्वेस्टेड वीडियो बदतमीज दिल में जो सॉन्ग है उसमें दीपिका पादुकोण ने जो साड़ी लुक क्रिएट किया है। तो चलो, आई होप मैं उस तरीके से साड़ी कोशिश करूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम साड़ी को नॉर्मल ड्रेप करते उस तरीके से यहाँ मैं साड़ी को ड्रेप करूँगी। एंड अगर आपको साड़ी ड्रेपिंग वीडियो सीखनी है तो आप मेरे वीडियो पर जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एंड अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके अपने लिए चेकआउट कर सकते हैं कोई भी साड़ी ड्रेपिंग हो। एंड बहुत सारे इंस्पायर्ड लुक भी मैंने साड़ी लुक भी किया है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि बेली बटन क्लीन अप पे वीडियो बनाने के लिए, तो वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड आप जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से अपने लिए चेकआउट कर सकते हैं। तो उन्होंने साड़ी को नीचे ऐसे लूज करके पहना हुआ है जैसे हम ऊपर थ्रस्ट साइड में पहनते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लूज कर लेंगे एड एक पिनअप की हेल्प से। तो अब हम सामने की फ्रंट की प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे स्लोली स्लोली। आप जिस लेफ्ट राइट जिस हैंड से भी आपको अच्छा लगता हो आप उस हैंड से अपनी प्लेट्स बना सकते हैं। यहाँ कोई फोर्स नहीं कि नहीं मैं लेफ़्ट हैंड से बना रही हूँ, तो आप भी लेफ़्ट हैंड से बनाएं। आप राइट लेफ्ट फिंगर जिसकी हेल्प से भी आप बनाते हो प्लेट्स आप बना लें। एंड यहाँ मैं नॉर्मल प्लेट्स बना लूँगी जिस तरीके से हम प्लेट्स बनाते हैं, और अंदर की तरफ मैं इसे टक कर लूँगी क्लीन अप करते हुए। सारी प्लेट्स को क्लीन अप कर लूँगी अच्छे से एंड इसे टक कर लूँगी। अब मैं अपने पल्लू पार्ट्स को बनाऊंगी। एंड उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्लेट्स लिए हुए हैं। उन लोग की बॉलीवुड साड़ी काफ़ी ज़्यादातर रेडीमेड ही होती है, बस पहनना और जो भी उनको एक्ट मिलता है वो कर लेते हैं। बट अपने लोग को तो साड़ी रिक्रिएट करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो उस तरीके की साड़ी मार्केट में अवेलेबल भी होती है, रेडीमेड साड़ियाँ बहुत सारी। और चाहे अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो आप घर पर भी इस तरीके से पहन सकते हो। तो इस तरीके से क्लीन करते हुए मैं आगे की प्लेट्स को बना लूँगी पल्लू को। उन्होंने उनकी साड़ी तो रेडीमेड है, बॉलीवुड लोगों की साड़ियाँ तो रेडीमेड होती है, बस जो भी उनको एक्ट होता है सॉन्ग होता है उन्हें एक्टिंग करना होता है, तो बस पहना एंड एक्ट कर लिया। एंड अगर आप चाहे तो इस तरीके की मार्केट में अवेलेबल होती है, अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप घर पर पहनना चाहते हैं अपनी साड़ी से तो इस तरीके से पहन सकते हैं। तो चलो देखते हैं फाइनल लुक। तो यहाँ मैंने स्टंड इयररिंग्स पहनी है एंड नोज पिन उन्होंने पहना है तो मैंने भी यहाँ नोज पिन पहन ली है। एंड एक नया ट्विस्ट दिया है मैंने, और अगर आपके पास कोई कमरबंद हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कमरबंद शॉर्ट था तो यहाँ ऊपर हो जाता, अगर आपके पास कोई कमरबंद बड़ा हो तो आप नीचे तरीके से साइड में कर सकते हैं। एंड सेकेंड मैंने ट्विस्ट दिया है, अगर आपके पास कोई अगर साड़ी में उनके जैसे साड़ी में नीचे वो जो लटकन लगी हुई है तो उनमें बॉर्डर है, अगर यहाँ मेरी साड़ी में बॉर्डर नहीं है, पतली सी बॉर्डर है और उनके में बहुत चौड़ी सी काफ़ी प्यारी सी बॉर्डर है, तो यहाँ मैंने एक दुपट्टे को लिया है मैचिंग दुपट्टे को, उसमें काफ़ी चौड़ी सी बॉर्डर थी, लेस लगी हुई थी, तो यहाँ मैंने ऐसे तरीके से इसको अंदर किस तरफ ले लिया है साइड में लगाते हुए। एंड अगर आप चाहे तो पल्लू साड़ी का ना बनाते हुए आप साड़ी प्लेट्स बना ले साड़ी की, एंड किसी दुपट्टे से साइड में टक करते हुए उसकी पल्लू बना ले, तो इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ एक आइडिया दिया है कि आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप साड़ी की पल्लू लेना चाहें या दुपट्टे को सिर्फ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिया है सेकेंड पल्लू, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साड़ी की पल्लू ना लेकर के मैं दुपट्टे की पल्लू बनाऊँ साइड से लेके, तो आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक आइडिया दे दिया, आप
कोई भी लुक ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ऐसे वीडियो आप लोग पसंद आए, तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और मेरी फैमिली का हिस्सा बन नहीं बना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मेरी फैमिली का हिस्सा बनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, इसी तरीके से प्यार आप देते रहें मेरे वीडियो को। तो मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।